सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सालासर के निकटवर्ती सोबासर पुलिया के पास एक पिकअप और ट्रेलर की देर रात को भिड़ंत हो जाने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो जाने के समाचार मिले हैं, जबकि ट्रेलर में सवार दो लोग भी घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सालासर थानाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और पिकअप में फंसे दोनों घायल युवकों को निकलवाकर राजकीय अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर युवक नरेंद्र मेघवाल रूपेंद्र मेघवाल निवासी गण गुडावड़ी गांव को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों युवक होटल से खाना खाकर वापस घर जा रहे थे कि पिकअप पुलिया के पास ट्रेलर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल पुलिस ने रतनलाल मेघवाल की रिपोर्ट के आधार पर ट्रेलर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। 12:30 बजे के आसपास ड्यूटी ऑफिसर हनुमान सिंह एसआई का मेरे पास फोन आया। उन्होंने बताया कि साहब एक पिकअप और ट्रेलर में भयंकर एक्सीडेंट हो गया। पिकअप है वो ट्रेलर के अंदर घुस गई है और रोड पे काफी भीड़ हो गई है, जिस पर मैं भी जाब्ते के साथ मौके पे पहुंचा। क्रेन की मदद से पिकअप को ट्रेलर से निकाला, उसमें फंसे हुए दोनों आदमियों को निकाला और उनको निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाया। ट्रेलर के चालक और खलासी के भी कुछ चोटें लगी थी, जिनको हॉस्पिटल पहुंचे। पिकअप सार दोनों मृत्यु हो गए, जिनका शव है मोर्चरी रूम में रखाया गया, जिनकी कार्यवाही अभी की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिए तफ्तीश दर्ज। ट्रक तो पुलिया पर चढ़ रही हो, ट्रक आपकी साइड हो या राउंड साइड हो? एक्सीडेंट